भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। लोकसभा में दूसरे दिन भी उठा अगस्ता पर पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण का मुद्दा। कांग्रेस नेताओं ने अध्यक्ष के आसन के पास जाकर की नारेबाजी। महाराष्ट्र में डांस बार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। 12 मई तक 8 डांस बार को लाइसेंस जारी करने के दिए आदेश। विरोध कर रहे फाउंडेशन को भी लगाई फटकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा इंटॉलरेंस के नाम पर अवार्ड लौटाने वालों का नाम। जनहित याचिका में बताया राष्ट्र का अपमान। कड़ी कार्रवाई की मांग की। केंद्र सरकार ने राज्यों को मांग के अनुरूप दाल की आपूर्ति का दिया आश्वासन। अरहर दाल की कीमत 120 रुपए प्रति किलो तय। ज्यादा होने पर राज्यों की होगी जवाबदेही। और गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन पर तवंचा लेकर घूम रहा एक संदिग्ध युवक गिरफ्तार। गुड़गांव की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है युवक। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी रैली में अगस्ता वेस्टलैंड डील में सोनिया का नाम लिए जाने पर मंगलवार को भी लोकसभा में हंगामा किया। कांग्रेस सदस्यों ने अध्यक्ष के आसन के समीप आकर नारेबाजी की। कांग्रेस सदस्य शून्यकाल के दौरान इस विषय को उठाना चाहते थे, लेकिन अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि इस विषय पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस अभी उनके विचाराधीन है और उनकी व्यवस्था के बाद ही इस पर कोई बोल सकता है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नोटिस स्वीकार करने के विषय पर चर्चा नहीं हो सकती, यह अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र का विषय है। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से इसे उठाने की अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को उनकी मांग के अनुरूप दालों की आपूर्ति करने का आश्वासन देने के साथ ही कहा कि यदि अरहर की दाल की कीमत 120 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा बढ़ी तो इसके लिए राज्य सरकारें स्वयं जिम्मेदार होंगी। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा में महंगाई के संबंध में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के सवालों के जवाब में बताया कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं में शामिल 22 वस्तुओं में से केवल दाल को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का दाम नहीं बढ़ा है। उन्होंने इसका मुख्य कारण उत्पादन कम होने को बताते हुए कहा कि उत्पादन के मुकाबले मांग ज्यादा है। पासवान ने कहा कि दालों विशेषकर अरहर की कीमत में वृद्धि के लिए जमाखोरी जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि इससे निपटना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों के रिकॉर्ड तैयार रखे। बता दें कि पिछले साल कई लेखकों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए थे। उन्होंने साहित्य अकादमी के सदस्य लेखक एम कुलबर्गी की हत्या पर कोई एक्शन ना नहीं लेने और देश में कथित तौर पर बढ़ती कट्टरता के विरोध में पुरस्कार लौटाए थे। इसे राष्ट्र का अपमान बताते हुए हाईकोर्ट में एक PIL दायर की गई है। इसी पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जयंत नाथ ने केंद्र सरकार को लेखकों के रिकॉर्ड तैयार रखने के लिए कहा है। PIL में मांग की गई है कि अवार्ड लौटाकर देश का अपमान करने वालों को दंड देने और इस संबंध में कड़े दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया जाए। महाराष्ट्र में डांस बार दोबारा शुरू करने को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो 8 डांस बार को 12 मई तक लाइसेंस जारी करे। कोर्ट ने बार मालिकों को भी बुधवार तक पुलिस को इस बात का हलफनामा देने को कहा है कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को बार और डांस एरिया में काम पर नहीं लगाएंगे। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने RR पाटिल फाउंडेशन के वकील को फटकार भी लगाई। वकील ने कोर्ट में कहा कि पुलिस को बार गर्ल्स की भी आपराधिक पृष्ठभूमि का पता करना चाहिए। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि क्या है ये, क्या वो अपराधी है? हम चाहते हैं कि बार बालाएं अपने रोजी रोटी कमाएं और आप रोजी रोटी के लिए काम करने के उनके हक को छीनने चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत परीक्षण का काम खत्म हो गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट नतीजों का ऐलान करेगा, लेकिन कांग्रेस के दावे और बीजेपी के कबूलनामे से साफ दिख रहा है कि इस सत्ता की लड़ाई में हरीश रावत ने जंग जीत ली है। जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई और समा जश्न का हो चला, जबकि बीजेपी के खेमे में सन्नाटा पसर गया।
कांग्रेस ने दावा किया कि उनकी जीत पक्की है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक बहुमत परीक्षण में उन्हें अपने पक्ष में 33 और विरोध में 28 मत पड़े हैं। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी विधायकों ने भी मुहर लगा दी। दिलचस्प बात यह है कि दोनों तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई। बीजेपी के एक विधायक ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया तो कांग्रेस की रेखा आर्य ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया, लेकिन दो बीएसपी विधायकों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन पर हरीश रावत की जीत पक्की बताई जा रही है। बिहार की गया में छात्र आदित्य की हत्या में गिरफ्तार रॉकी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि वो घटना के समय दिल्ली में था। उसे फंसाया जा रहा है, वो मां मनोरमा देवी के बुलाने पर गया पहुंचा था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रॉकी के मुताबिक उसने गोली नहीं चलाई है। दूसरी तरफ एसएसपी गरिमा मलिक ने कहा कि पकड़े जाने के बाद रॉकी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। रॉकी बोधगया के मस्तपुर में अपने पिता बिंदी यादव के मिक्सर प्लांट में छिपा था। राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी के नाम पर हथियार का लाइसेंस दिल्ली से जारी हुआ है। लाइसेंस के लिए रॉकी ने दिल्ली के बसंत कुंज का पता दिया है। लाइसेंस पर उनसे अपनी जन्मतिथि 6 अगस्त 1991 दिखाई है। विदेशी पिस्टल बेरेटा इटली की बनी है। बेरेटा पिस्टल की शुरुआत कीमत 2.5 लाख है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने के शीर्ष दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है तो वह अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रस्तावित अस्थायी प्रतिबंध के मामले में लंदन के पहले मुस्लिम मेयर सादिक खान को अपवाद बनाएंगे। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि लेबर पार्टी के नेता एक उदाहरण पेश करेंगे। खान को लंदन का नया मेयर चुने जाने के बारे में पूछने पर ट्रंप ने द न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा, मैं ये देखकर खुश हूँ, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे। सच कहूँ तो ये बहुत बहुत अच्छा होगा। ट्रंप की नीतियों के आलोचक खान ने पहले कहा था कि यदि ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है तो वो अमेरिका की यात्रा नहीं कर पाएंगे। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में वैशाली मेट्रो स्टेशन पर CISF ने एक संदिग्ध युवक को तमंचे के साथ हिरासत में ले लिया। पूछताछ के लिए आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वैशाली मेट्रो स्टेशन पर CISF के जवानों ने सुबह एक युवक को संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पकड़ लिया। जब युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देसी तमंचा बरामद किया गया। CISF के अधिकारियों ने फौरन इस बात की सूचना इंद्रपुरम थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक ने पूछताछ में बताया कि वो पेशे से इंजीनियर है और गुरुग्राम की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज धनबाद पहुंचे। वो धनबाद के टाउन हॉल में शराबबंदी के पक्ष में सामाजिक आंदोलन चला रही नारी संघर्ष मोर्चा की महिलाओं द्वारा शराबबंदी पर आयोजित कन्वेंशन में हिस्सा लेंगे। शराबबंदी के पक्ष में नीतीश कुमार की झारखंड में पहली नागरिक सभा है। गौरतलब है कि 5 अप्रैल से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने के बाद धनबाद में शराबबंदी को लागू करने के पक्ष में सामाजिक आंदोलन चला रही महिलाओं की एक टीम ने मुख्यमंत्री को वहां आने का निमंत्रण दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बीजेपी के संसदीय दल के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सांसदों को कई निर्देश दिए हैं। हर बार की तरह पीएम ने सांसदों से कहा कि वो जनता तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाए और उनका फीडबैक ले। पीएम ने कहा, संसद सत्र के खत्म होने के बाद क्षेत्र में ज्यादा समय दे सभी सांसद, कम से कम 7 रातें वो अपने क्षेत्र में गुजारे। उन्होंने 14 दिन तक अपने अपने क्षेत्र में घूमने की भी हिदायत दी। पिछले 2 सालों में केंद्र सरकार की ओर से किए गए कामों को जनता तक पहुंचाए की बात उन्होंने की। 26 मई को सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद पीएम मोदी छोटे छोटे ग्रुप में सांसदों से मिलेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे। 26 मई से 26 जून तक होने जा रहे 1 महीने के कार्यक्रम में सांसद हर विधानसभा में 2 दिन रहेंगे। देर रात किए गए ट्वीट्स में राहुल गांधी ने कहा है कि वो आज पुडुचेरी में तहशुदा दौरे के लिए नहीं जाएंगे। राहुल गांधी को जान से मार डालने की धमकी मिलने के बाद यहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। राहुल गांधी ने कार्यक्रम कैंसिल किए जाने पर माफी मांगी है और कहा है उन्हें इतवार से तेज बुखार है और डॉक्टरों ने उन्हें अगले 2 दिन रेस्ट करने की सलाह दी है। उन्हें पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल जाना था जहाँ 16 मई को इलेक्शन होने हैं। उन्होंने कहा कि वो कार्यक्रम फिर से तय करेंगे। इन राज्यों में चुनाव प्रचार की आखिरी तारीख 14 मई है।
लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने बिहार के गया में हुए व्यवसायी के बेटे की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार जिस तरह से हत्या और अपहरण की वारदातें हो रही हैं, उससे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है, इसलिए यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। पटना में अपने पिता रामविलास पासवान के साथ मीडिया से बातचीत में चिराग ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर वह गृह मंत्री से मुलाकात कर उन्हें विस्तार में बिहार में घटी घटनाओं से वाकिफ कराएंगे। मुंबई पुलिस ने समाज सेवा शाखा की मदद से कल देर रात छापेमारी कर एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से दो मॉडल्स को एजेंटों के चुंगल से छुड़ाया है। मामले में एक एजेंट की गिरफ्तारी की गई है, उसे पूछताछ की जा रही है। समाज सेवा शाखा के अधिकारियों को जानकारी मिली कि गोरेगांव में देह व्यापार के लिए मॉडल्स जाने वाली हैं। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और ओबेरॉय मॉल के नीचे एक कार से दोनों मॉडल्स को बरामद किया। देह व्यापार के विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल कर रही है। हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाने के लिए शिवसेना ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। शिवसेना ने अपनी सहयोगी पार्टी को जनता पार्टी सरकार द्वारा की गई गलतियों की याद दिलाई, जिसमें तत्कालीन जनता पार्टी सरकार ने इंदिरा गांधी के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जिसके चलते अतः गांधी को सत्ता में वापस लौटने में मदद मिली थी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखे संपादकीय में कहा, हमें जनता पार्टी की सरकार के दौरान इंदिरा गांधी की याद आती है। ये जनता पार्टी ही थी जिसने अतः उन्हें वापस सत्ता में आने में मदद की थी। लोकसभा ने विमान अपहरण की घटनाओं में दोषी लोगों को मौत की सजा के प्रावधान वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक को सोमवार पारित कर दिया। राज्यसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। लोकसभा में करीब घंटे भर की चर्चा के बाद यान हरण निवारण विधेयक 2016 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक में विमानों के अपहरण आदि मामलों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही ऐसी घटना में हवाई अड्डे पर मौजूद स्टाफ कर्मियों की मौत होने की स्थिति में भी दोषी को मृत्यु दंड का प्रावधान विधेयक में किया गया है। देशद्रोह के मामले में जमानत पर रिहा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों और पिछले 11 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे उमर खालिद को शुगर, सोडियम और पोटेशियम के स्तर में काफी गिरावट आ जाने के बाद एम्स ले जाया गया। कथित तौर पर राष्ट्रीय विरोधी नारेबाजी वाले 9 फरवरी के विवादित कार्यक्रम में खालिद के शामिल रहने पर उन्हें विश्वविद्यालय ने एक सेमेस्टर के लिए निष्कासित कर दिया था। उन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली। इस वर्ष जून से शुरू हो रहे नए एकेडमिक सेशन में गुजरात की पाठ्य पुस्तकों में देशभक्ति, भारत माता और भारतीय संस्कृति को विशेष जगह दी जाएगी। नए स्तर में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दृष्टिकोण से भारत माता की जय के विचार पर रोशनी डाली जाएगी। गुजरात स्टेट स्कूल पाठ्य पुस्तक मंडल ने कक्षा 9वीं और 11वीं की 4 पाठ्य पुस्तकों में हिंदी को पहली भाषा और हिंदी को दूसरी भाषा के तहत चुनने वाले छात्रों के लिए आरएसएस की शाखा में गाया जाने वाला गीत मनुष्य तू बड़ा महान है को भी शामिल किया है। 11वीं कक्षा की किताब में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता कदम मिलाकर चलना होगा भी शामिल की गई है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।